फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज ये आपका पहला क्लास है इस बैच में, है ना सर? तो पहले जब भी कोई बैच की शुरुआत करते हैं हम लोग किसी भी टाइम में, तो पहले इंट्रो करते हैं उस चीज़ का। सो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करने वाले, इसकी प्रिपरेशन आप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप सब यहाँ घर से आए हैं और कुछ ड्रीम्स लेके आए हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में बनना, है ना सर? जैसे कि आपका ये बैच है, ये बैच जो आपने ज्वाइन किया है, इस बैच में आपको पता है कि आपने ज्वाइन करा है SSC के लिए। SSC सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे ये बताइए कि SSC क्या है? आपने कहा SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC क्या है? सो बेसिकली हाँ बताएं, SSC क्या है? अच्छा अच्छा चलिए आप बताइए क्या है। वेरी गुड। देखिए आपका डाउट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है डाउट क्लियर करना, क्योंकि माय डियर एस्पिरेंट्स वी टॉक अबाउट SSC। SSC का सिंपल मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना सर? ये होता है स्टाफ कमीशन सिलेक्शन कमीशन SSC। आपको देखना ये है कि भाई आप SSC की तैयारी करने आए हैं, तो SSC क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक बोर्ड है जो आपको कराता है SSC के पेपर। SSC में आप जानते हैं सारे पेपर आते हैं आपके, SSC में आपका CGL भी है, MTS भी है, CHSL भी है, और यहाँ तक कि आपका आज्ञापाल भी आता है। आज्ञापाल जानते हैं आप लोग, आज्ञापाल, लेखपाल, ये UPSC में आते हैं, काफ़ी सारे पेपर और आते हैं SSC के थ्रू, पुलिस के पेपर आते हैं SSC में, है ना सर? तो आप क्या आप आज्ञापाल बनने आए हैं यहाँ पे, या फिर आप इस बोर्ड में जाने के लिए आए हैं, जो बोर्ड है SSC, यहाँ पे सिलेक्शन पाना चाहते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल आप इस बोर्ड में नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिलेक्शन कि आपका इसके थ्रू होने वाले एग्जाम्स में हो जाए, और यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द एग्जाम्स विच आर गोइंग टू बी हेल्ड बाय SSC। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें SSC के एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे आपके तीन मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, वो तीनों इस टाइप के हैं। देखिए ध्यान से, पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है MTS, नेक्स्ट वन इज CHSL एंड द थर्ड वन इज CGL। अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्या इसमें रहता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश का क्या रोल है, मैथ का क्या रोल है, बाकी सारा ओवरऑल, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपको पता ही नहीं होता, तैयारी करते हैं आप लोग, तैयारी करे ही जा रहे हैं तैयारी। आपने एक चुटकुला सुना होगा, तब जब मैं तैयारी कर रहा था तब वो BA में थी, जब मैं तैयारी कर रहा था तब वो BSc में अब आगे बढ़ गई, जब मैं BA कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तब वो जो है शादी हो गई, और फिर मैं जब तैयारी कर रहा था उसके बच्चे हो गए। तो इस टाइप के चुटकुले काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि होता यही है कि स्टूडेंट्स क्लियर होते नहीं है उस चीज़ में कि उन्हें क्या करना है, और वो बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं, पर सिलेक्शन होना मुश्किल है। कहावत भी ये है, या तो 6 महीने या तो फिर 6 साल भी कम है इसके लिए, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको किस टाइप से पढ़ना है। जैसे आप 10th में पढ़ते थे, 10th में हमें मालूम होता था कि इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आने हैं, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन आने हैं, ना हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस हम पढ़े जा रहे हैं। बुकें इकट्ठा कर ली, सर ये वाली बुक बता दो, ले ले आए, वो भी ले आए, सर ये वाली बुक बता दीजिए, वो भी ले आए, सब बुकें से ले आए, इकट्ठा कर ली बुकें, और पढ़ना कुछ नहीं, सब बुकें हैं हमारे पास SST ज्वाइन भी है, हमारे पास ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, बट माइंड में कुछ नहीं है। क्यों भाई, है कि नहीं? और वैसे भी आप सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, ज़ईफ लोग हैं आप लोग, है ना सर? तो आप सबको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। देखिए ध्यान से, MTS की अगर हम बात करें, तो MTS का मतलब होता है मल्टी टास्क, और CHSL में देखिए आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है? नेक्स्ट वन इज CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये तीनों एग्ज़ाम्स हैं, इन तीनों को मेन कैटेगरी में रखा जाता है, ये तीनों ही मेन होते हैं फिलहाल SSC के पर्पज़ से। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी आता है, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वेरियस एग्ज़ाम्स हैं जो कि SSC कंडक्ट कराती है, बट ये तीन मेन हैं, हाईलाइटेड हैं, टॉप्ड हैं, डीम्ड में हैं, इन्हीं का इन पर जो सिनेरियो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल, है ना सर? बेसिकली अब देखिए, हम अगर बात करें इन सब के शेड्यूल्स की, इन सब में किस टाइप का पेपर आता है, कब पेपर होता है, कैसे क्या रहता है, कितना क्या रहता है, सबसे अच्छा कौन सा है इन सब में, सबसे वीक कौन सा वाला है, ना? तो काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। देखिए जैसे MTS है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, है ना सर, CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इसमें नाम है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो आप इसे ग्रेजुएशन बाद भर सकते हैं, ये 12th बात कर सकते हैं आप, ये भी 12th बात कर सकते हैं आप, बट देखिए तीनों में डिफरेंस है। जैसे कि इसका नाम ही है मल्टी टास्किंग स्टाफ,
मल्टीटास्किंग स्टाफ बनेंगे आप जाके कहीं भी, जैसे छोटे छोटे ऑफिसेज में बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे जो ऑफिसेज होते हैं उनमें जो है आप जो है बनेंगे जाके, इसके अगर क्वालिफाई करेंगे। इसमें क्या होगा, सी एस एस एल लेवल थोड़ा सा उससे बेटर पोजीशन पर चले जाएंगे आप। बट ये जो एग्ज़ाम है सी जी एल, ये वो एग्ज़ाम है जिसमें आप रिटायर होने से पहले पहले भी आई ए एस बन सकते हैं आप। इसमें ऐसी सी जॉब्स हैं, आपने सुना होगा कई बार आपके मोहल्ले में कोई पड़ोसी है वो एक ऐसी पोस्ट में है जहाँ पे भाई आपको मालूम ही नहीं कि वो सचिवालय में है या फिर वो कहीं और ऐसे विभाग पे हैं, तो पता ही नहीं। आप इसमें विदेश भी जा सकते हैं, आप आई एम ए ज्वाइन कर लीजिए, आप बाहर चले जाएंगे। आपने सुना होगा राजदूत वगैरह होते हैं वो भी इससे बनते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी प्रेस्टीजियस जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है इसमें बढ़िया बढ़िया, और इनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, सब कुछ जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं ना। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है कि आप कैसे करना है, ठीक है। बैठ जाइए इधर, आइए इधर, हाँ बैठिए, आप ही बैठिए। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना अभी सी जी एल की, एम टी एस की, बात करें एम टी एस की, तो एम टी एस जैसे कि नाम है आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ, है ना सर, मल्टी टास्किंग स्टाफ एम टी एस। इस एम टी एस में अब कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है, देखिए ध्यान से। पहले आपको एक माइंड सेट करना है, सिंपल सा माइंड सेट क्या करना है आपको देखना है भाई, इसमें जो है 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी ये 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ओके। इट इज़ इसमें क्या होता है, आप जानते हैं जैसे कि आप सेशन जो है वो 4 सेक्शन से डिवाइड होता है। 4 सेक्शन मतलब क्या होगा, एक में आता है जी आई यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, एंड द नेक्स्ट इज मैथ एप्टीट्यूड जिसे भी कहते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहीं कहीं पे लिखा होता है, एंड लास्ट वन इज़ आपकी जी ए या जी एस कह सकते हैं आप इसे, है ना सर, जनरल अवेयरनेस। इसमें जी के इन्वॉल्व होती है बेसिकली, जी के और जी ए में बहुत हल्का सा अंतर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जी के क्या होती है, जनरल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, और जी ए क्या होती है, जनरल अवेयरनेस, यानी जो करंट अफेयर चलता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, वो आपको पढ़नी होती है ना सर। तो जी ए मैथ्स इंग्लिश हिंदी, ईच सेक्शंस हैव 25 क्वेश्चंस, 25 एंड 25, और सेम क्वेश्चन सेम नंबर। इस बात को याद रखना हमेशा कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारी ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू लर्न, है ना सर। देखिए ध्यान से, तो क्या है यहाँ पे 25 मार्क्स और 25 सब कुछ 25, ठीक है, 25 मार्क्स 25 नंबर। बट माई डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज़ अ फाउंडेशन, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम का यहाँ पे थोड़ा सा खेल होता है। टाइम यहाँ पे आपको मिलता है 90 मिनट्स का, ओनली 90 मिनट्स, ओके। सो 90 मिनट्स मिलेंगे आपको और 100 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, सो इट इज़ एन टास्क फॉर यू, यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी एक्यूरेट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर आंसर, है ना सर। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे टोटल आपका क्या हुआ, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन और 90 मिनट्स, ये आपका है MTS टीयर वन कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं स्टेज वन प्रिलिमिनरी, है ना सर। और उसके बाद में बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेज की, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है वो देखिए ध्यान से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड या सेरेब्रल कैप्सी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, उनके लिए इस टाइम को यानी कि VH स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए टाइम होता है यहाँ पे 120 मिनट्स, है ना सर। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग मतलब कि कितने गलत करने में कितना कटेगा आपका, है ना सर, नंबर, तो वो रहती है 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आप जो है क्वेश्चन कम गलत करें, क्योंकि इट विल अफेक्ट अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्स एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट, बी फास्ट एंड बी करेक्ट। अगर आप गलत करते हैं तो आपके उससे नेगेटिव मार्क आएंगे, आपको 100 में 100 नहीं लाने हैं, आपको क्वालिफाई करना है, आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। एग्ज़ाम में देखिए कहावत होती है कि कंपटीशन तो है पर कंपटीशन में क्या होता है कि बेसिकली आपको अपने आप को कम्पीट करना होता है, मीन्स यू हैव टू कम्पीट योर सेल्फ। एक बहुत बड़ी कहावत कही गई है कि द वन पर्सन कैन चेंज योर लाइफ इज़ ओनली यू, और एक कहावत ये भी कही गई है, द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल हिज ड्रीम इज़ ओनली यू, यानी आप खुद ही सब कुछ करेंगे। आपको हम किताबें बताएंगे यहाँ पर, आप उसी से पढ़ेंगे, उस चीज़ को करेंगे, फोकस करेंगे, क्लास नोट सफिशियंट है पढ़ने के लिए, आप उस पर पढ़ेंगे फोकस करके, तो आप ऑफिसर बन जाएंगे पक्का। अब हो सकता है आप ऑफिसर बन जाएं। देखिए इसमें होता है क्या, SSC में या CGL वगैरह में अगर आप लड़के हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका नाम क्या है, आर्यन है मान लीजिए, अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपके नंबर अच्छे आए, आप MTS निकाल लिया, MTS में आपको क्या, थोड़े से सैलरी के पर्क्स जो होते हैं वो लो रहते हैं,
अब आप स्टूडेंट हैं, आपकी स्पीड बन चुकी है, अब आपके लिए चाहे MTS हो, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, सब बराबर है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग है। आपने दिन रात पढ़ाई करी, व्हाट्सएप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया, समझ रहे हैं ना, उनको भी छोड़ दिया आपने कुछ दिन के लिए और सिर्फ पढ़ाई करी, और उसके बाद में आपका MTS में हो गया भाई। अब MTS में अगर आपका हो गया तो MTS में क्या है, सैलरी पर कम है, और आप जानते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करते यार तो काश CHSL में हो जाता या CGL में हो जाता तो और अच्छे सैलरी पर्स मिलते हैं। तो आप भी फॉर्म भरेंगे किसका, CGL का, CHSL का, इससे ऊपर वाले हायर लेवल्स का आप फॉर्म भरेंगे ताकि आपको उसमें जॉब मिल जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए बढ़िया से। तो यहाँ पे आप भरेंगे तो आपको 21 के से 28 के तक मिलेगी सैलरी, चाहे आप कहीं पोस्टिंग हो जाए, है ना। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, यानी कि आप समझिए एग्ज़ाम्स में आपका जो कंपटीशन होता है वो अपने आप से होता है, और दूसरी बात उन लोगों से होता है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ये भी एक इफेक्ट है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपकी एक क्या कहते हैं एक ड्रॉबैक है, आपको पोस्ट अच्छी मतलब आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है या फिर आपको मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये रहा आपका स्टेज वन फॉर MTS। अब बात हम करेंगे यहाँ पर स्टेज टू के लिए। स्टेज टू जो होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका ऐसे राइटिंग, ऐसे देखिए ये होता है ऐसे, है ना सर, और लेटर राइटिंग का डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला, पेन पेंसिल मोड वाला, पेन पेंसिल मोड वाला पेपर होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपका रहता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है आपको 50 मार्क्स का होता है ये, और इसमें टाइम मिलता है आपको 30 मिनट्स, यानी हाफ एन आवर और 50 मिनट्स। पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी अगर VH वाले स्टूडेंट हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले या विजुअली हैंडीकैप्ड एंड सेरेब्रल कोलैप्सी वाले, तो उनके लिए यहाँ पर टाइम जो है VH वालों के लिए 45 मिनट्स रहता है। तो इसमें आपको ऐसे और जिसमें आप चाहे जिस लैंग्वेज में चाहे लिख सकते हैं, या आपका लैंग्वेज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेक्टेड है उन पर लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश इवन आपकी जो स्टेट्स लैंग्वेज है वो भी आप इससे चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, ना सर। तो ये रहा आपका MTS का पूरा पैटर्न कि MTS में कैसे में करना है, ये फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज ऑफ MTS। वी मूव फॉरवर्ड ऑन अनदर एग्ज़ाम, द एग्ज़ाम इज CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडली हम बात करेंगे किसकी, CHSL की। देखिए ध्यान से, जैसे कि आपको बताया गया कि MTS हुआ, फिर नेक्स्ट हुआ CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना सर। ये एग्ज़ाम अपने आप में थोड़ा सा MTS से ज़्यादा होता है, MTS थोड़ा सा बेटर होता है, इसमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अब बात करते हैं CHSL की कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना, इसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना, इसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि इसमें आपका जो पेपर होता है वो 3 टाइप्स ऑफ का होता है। 3 टाइप्स मीन्स 3 पैटर्न का। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है 3 टीयर होते हैं आपके। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। तो इन तीनों में आप खास क्या है, डिफरेंस क्या है, मेन चीज़ क्या है ध्यान रखना है आपको कि ये जो होता है आपको एग्ज़ाम, इसको आपको समझना है। ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, वो आपको करने होंगे, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको पेन पेपर मोड वाला यूज़ करना पड़ेगा पैटर्न। और तीसरा पैटर्न जो लिखा है Tier 3, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आपके कंप्यूटर्स बेस्ड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट कह सकते हैं आप, स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों को कंप्राइज करके बनता है आपका CHSL, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव, देन डिस्क्रिप्टिव एंड देन आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट। पर आपको ध्यान ये रखना है कि स्किल टेस्ट हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, यानी जहाँ पे ज़रूरत है जिस पोस्ट के लिए, एवर मीन्स क्या है, वेयर एवर एप्लीकेबल, तो वहाँ पे आपको इसमें ये टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट इस मोड का होता है, आप देखना है इसमें Tier 1 में क्या क्या आता है, कितने सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, या फिर कितना इसमें मार्क्स आते हैं, कितने क्या कैसे आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए इसका, इसको फॉरवर्ड करते हैं और बढ़ाते हैं। देखिए तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको सबको, यहाँ पर इस एग्ज़ाम्स में आपके जो है 4 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम जो है वो डिवाइड हो जाता है, और इन चारों को ध्यान रखना है आपको। देखिए ध्यान से, पहले सेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर आता है जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, यानी मतलब क्या है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ही सिंपल आप कह सकते हैं, रीजनिंग, है ना। देन नेक्स्ट आपकी आएगी क्या, यहाँ पे इंग्लिश, देन मैथ्स एंड देन अगेन योर फेवरेट सब्जेक्ट GS। और आप सब जैसे कि हैं, आप सब
बड़े बुजुर्ग जीएस में आप बड़े ही पारंगत हैं, मीन्स यू आर ऑल वेरी परफेक्ट एपिटोम ऑफ इंग्लिश यू आर. के लिए जो मार्क्स रहते हैं यानी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 25 25 25 एंड 25. मार्क्स की बात हम करें अगर यहाँ पर, तो लिखते हैं इस कॉलम में मार्क्स. तो मार्क्स इसमें क्या होता है, दो नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 50 50 50 50. तो ये 50 50 के हिसाब से अगर हम देखें इसको टोटल करें तो क्या हुआ यहाँ पर आकर के 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स, है ना सर. ईच क्वेश्चन कंटेन्स हाउ मच मार्क्स, 2 मार्क्स. लिमिट क्या होती है कि 100 क्वेश्चन तो करना है और 200 मार्क्स भी हैं, पर इसके लिए टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम कितना अप्लीकेबल होता है ना सर, क्योंकि टाइम ही सब कुछ होता है. देखिए टाइम यहाँ पर मिलता है आपको 75 मिनट्स. वॉट टाइम? 75 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इसको एग्ज़ाम को, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स. और जो आप को गेन करने हैं, कंटेन करना है, आप सबको लाने हैं नंबर, तो 75 टाइम मिनट मिलेंगे आपको और 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स. इट्स क्लियर टू यू ऑल? तो ये हो गया. यहाँ पर आपने देखा कि CGL CHSL का टीयर 1 के बारे में है ना सर. अब इसके बाद बात करते हैं इसकी टीयर 2 के बारे में. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द टीयर 2 ऑफ CHSL, माय डियर स्टूडेंट्स, CHSL का टीयर 2 जो होता है उसमें क्या देखना है आपको, उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप. और डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, मीन्स यू हैव टू क्वालिफाई फॉर 33%. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है ऐसे राइटिंग मिलती है लिखने को, और एक लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन हिसाब से लिखते हैं एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ पर लिखना होती है. वर्ड लिमिट रहती है ऐसे कि 200 to 250, और यहाँ पर इसमें लिमिट रहती है 150 to 200 मार्क्स. और यहाँ पे आपको जो नंबर रहते हैं वो रहते हैं आपके, जो टाइम रहता है वो रहता है 60 मिनट्स का, और जो आपके मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 100 मार्क्स. क्लियर है? तो 60 मिनट और 100 मार्क्स यहाँ पर CHSL की टीयर 3 की. तो टीयर 3 जो होता है वो बेस होता है बेसिकली किसी पे स्किल्स पे, जॉब की अवेलेबिलिटी पे, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहाँ पे कैसा क्या आपका स्किल्स सही है वो उसमें टेस्ट होता है. तो वो डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप अप्लीकेबल है वहाँ पे होगा, और उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का होगा, उसी पर्टिकुलर फील्ड का होगा. तो इसलिए आपको उसके लिए इतना कंसंट्रेट अभी से नहीं करना है, वो आपको देखना है बाद में कि किस टाइप से वहाँ पे कैसे क्या होता है. आप पहले क्वालिफाई करिए और देन वो आपको मिलेगा नंबर वगैरह, ठीक है. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम ऑफ अवर गवर्नमेंट अवर इंडिया इज CGL. CGL मीन्स कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल. तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL. जैसा कि इसका नाम है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो इसको ग्रेजुएशन के बाद ही आप भर सकते हैं, वेदर यू आर अ BA, यू आर अ BTech और एनीथिंग एल्स, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. CGL में आपको मालूम है कम से कम इसमें इतने विभाग आते हैं जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे. 14 से 15 20 40 विभाग पूरे इसमें आते हैं. 39 डिपार्टमेंट्स आर देयर इन CGL. तो ये एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इसके थ्रू आप अच्छे अच्छी पोस्ट आ सकते हैं, अर्निंग कैसी कर सकते हैं. आपने देखी होगी मूवी फोर्स, मूवी में जॉन अब्राहम था नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में, तो वो भी बन सकते हैं आप. आप अगर बनना चाहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर तो भी बन सकते हैं आप. आप जो चाहें वो बन सकते हैं आप. आप जाना चाहते हैं विदेश तो वो भी बन सकते हैं इसमें आप. आप IAF ज्वाइन करिए, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं. तो इसके लिए देखना है हमें, अगर हम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो जैसे कि आपने देखा MTS है तो उसमें थोड़े से लो पर्क्स हैं सैलरी के, CHSL में उस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट इसमें बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस हैं. जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम होता है ना, एक ड्रीम हो कि आपका बढ़िया सा एक घर हो, साथ में बाकी चीज़ें हो, बाकी उसके बाद में आप जो है उस चीज़ को जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिले, है ना सर. आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से शादी हो जाए, आपको अच्छे से सैलरी मिल जाए, आपको अच्छे से क्या हर चीज़ मिले, आपका बंगला हो, कार हो, सब कुछ हो, तो वो उन सैलरीज में पॉसिबल नहीं है जहाँ पे आपको 20-25 हज़ार मिलेंगे. पर ये जो CGL है इसमें आपको स्टार्टिंग भी 40-45 से होगी और उससे ऊपर जाएंगे आप, तो इसमें वो सब चीज़ें मिल सकती हैं आपको. क्या क्या मिल सकता है इसमें आपको, एक अच्छी सी बीवी, एक अच्छी सी सैलरी, एक बढ़िया सा घर और बाकी सब चीज़ें जो आप चाहते हैं वो सब इसमें कर सकते हैं आप. और इसमें आपका एकदम जलवा रहेगा, हर जगह पे आपके लोकेलिटी में आपकी एक इज्जत रहेगी, प्रेस्टिजियस वैल्यू रहेगी आपकी, और बहुत ही आप जान सकते हैं कि इसमें मतलब बहुत स्कोप है. तो नेक्स्ट अब इसके बारे में बात करते हैं. स्कोप तो बता दिया, आप स्कोप समझ लीजिए, खासतौर पर आपको समझ में आया होगा वाइफ वाला स्कोप, है ना सर, कि वाइफ अच्छी मिलेगी अगर इसमें नंबर आएगा तो वो भी चीज़ ठीक है फिलहाल, पर इसको देखते हैं अभी फिलहाल इसे पास करना, देखते हैं कैसे क्या करना है. तो देखिए ध्यान से, CGL में टीयर 4 होते हैं, टीयर 1 टीयर 2. इसे टायर नहीं पढ़ना है, क्या लिखा है, टीयर.
ठीक है, ध्यान रखें से आप लोग टीयर थ्री एंड देन नेक्स्ट टीयर फोर। अब इसमें देखना है आपको कि कैसे कैसे इसमें कॉम्बिनेशन आते हैं, कैसे मार्क्स, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सिनेरियो रहता है, कहाँ कहाँ पे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सिलेबस हैं, तो हम एक एक टीयर को डिस्क्राइब करेंगे। पहले एक लुक लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो पेपर होता है आपका, ये होता है आपका दोनों ऑप्शनल, ये दोनों देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों पेपर जो होते हैं टीयर वन और टीयर टू, ये होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे, उसे आपको करना होता है। उसके बाद में ये जो होता है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, टीयर थ्री आपका क्या है डिस्क्रिप्टिव, यानी इसमें आपको डिस्क्राइब करने को कुछ मिलेगा, उसको करना होगा ऐसे, और वही अपना सेम फंडा वाला है, सेम थिंग इज। एंड नेक्स्ट फोर्थ में आपका रहता है कुछ स्किल्स टेस्ट भी हो सकते हैं, जितना इंटरव्यू भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका किस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, कौन सी आपकी रैंक है, कैसे क्या है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली सीजीएल की अगर हम बात करें, हर वो बंदा जो एमटीएस में जॉब कर रहा है, सीजीएल में जॉब कर रहा है, वो जानता है उसकी स्पीड बन चुकी है और उसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए होती है बेसिकली, तो स्पीड बन चुकी है, तो स्पीड अगर बन चुकी है तो क्या करना है उसे, आप सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को फॉर्म भरना है। और आप देखिए कितनी सरकार कितनी हमारी अच्छी है, सरकार कहती है भाई SSC का हम फॉर्म निकाल लें, 100 रुपये का 200 रुपये का, उस फॉर्म को आप भरिए, पेपर पास करिए और हमारे पास आइए, हम आपको साल भर ज़िंदगी भर 50,000-60,000 जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आप जॉब पा रहे हैं उस टाइप का, हम आपको साल भर हमेशा ज़िंदगी भर खाने को देंगे। तो सरकार तो हमारी अच्छी है ही है, पर हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। और यहाँ पर देखिए हर गोरे काले मोटे पतले सबके लिए सेम मार्क्स हैं, बट हम अपनी गलती खुद करते हैं नंबर कटवा कटवा के, कैसे भाई, पेपर है 100 नंबर का, सबके लिए 100 नंबर है इक्वली, पर हम दिखाते हैं अपनी काबिलियत कि ये क्वेश्चन में ये आंसर होगा और नंबर गलत, नंबर कट, तो हम कहते हैं लो और नंबर काटो, और नंबर काटो, और नंबर काटो, और मेरे सिलेक्शन ना लो, हम खुद भागते हैं वहाँ से दूर, है ना। तो गवर्नमेंट तो चाहती कि आप आओ, पर आप चाहते हैं कि आप ना आओ, क्योंकि आप पेपर गलत करते हैं, सब लोग गलत करते हैं, और फिर रह जाते हैं, और फिर पेपर से निकलते हैं कहते हैं यस, होता है नहीं यस, और पेपर सबके अच्छे ही होते हैं हमेशा। अगर बात करें पेपर सबका कैसा हुआ, बढ़िया हुआ, पर रिजल्ट कैसा हुआ, तो इसलिए किसी ने कहा है कि कभी भी ध्यान रखिए कि फैसले सही या गलत नहीं होते हैं, नतीजे जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं, वो बताते हैं कि वो फैसला सही था कि गलत था, है ना। तो रिजल्ट ही मैटर करता है लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपने बताया टीयर वन टीयर टू के बारे में, टीयर थ्री के बारे में, टीयर फोर के बारे में, तो इसको देखते हैं वन बाई वन स्टडी करते हैं टीयर वन के बारे में। देखिए अगर हम बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल में क्या होता है, टीयर वन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टीयर वन में देखिए 4 सेक्शंस, तो इट विल कैरी 4 सेक्शंस, ईच सेक्शन कैरीज रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेली व्हाट द प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द मार्क्स। सो इट इज गिवन दैट 25 नंबर का हर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन 25 नंबर और उसको होता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 50 मार्क्स। तो इस हिसाब से 100 क्या कहते हैं क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स हो गए। एंड देन अगर हम बात करें टाइमिंग की, टाइमिंग यहाँ पे होती है 60 मिनट्स की, मीन्स यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू बी फास्ट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। और इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर एग्ज़ाम में लोगों के नंबर जो है रीजनिंग में 25 क्वेश्चन सही होते हैं, इंग्लिश में फुल आते हैं, मैथ हो गया, जीएस हो गया, इन सब में काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहता है, काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए इसको अगर आप करते हैं टीयर वन का। टीयर टू की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए सीजीएल का ही टीयर टू, तो टीयर टू में देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है इतनी सी चीज़ कि अगर हम बात करेंगे टीयर टू की, तो टीयर टू में जहाँ था यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं, पर टीयर टू में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 सेक्शंस होते हैं यहाँ पर, 2 सेक्शन। तो सेक्शन कौन कौन से होते हैं आपके, रीजनिंग हट जाती है, जीएस हट जाती है, यानी यहाँ पर सिर्फ आपका इंग्लिश और मैथ रहता है। तो यहाँ पर एक पेपर होता है इंग्लिश का, एक पेपर होता है मैथ का। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो क्वेश्चंस आते हैं उस पेपर में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। मैथ में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। टाइमिंग रहती दोनों में 120 मिनट, यानी 2 घंटे के ये दोनों पेपर होते हैं। और इसमें क्या है, आपको 200 क्वेश्चन इंग्लिश का, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, और मैथ में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, यहाँ पर 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, इनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड लेवल रहता है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको खास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे होते हैं कि इनका लेवल ही अलग होता है। अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और मैथ क्यों पूछा गया, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको चाहिए कि आपकी इंग्लिश और मैथ बेटर हो। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा सिलेबस कम्प्लीट होता है, कवर होता है, वो सबको आपको फोकस करना है, फिर मैथ को आपको फोकस करना है, अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करना है। यहाँ पर भाई एक एक नंबर से, पॉइंट पॉइंट नंबर से भी आगे पीछे हो जाता है हिसाब किताब।
रहती है इसमें वो रहती है आपकी 0.25 मार्क्स, क्लियर है, 0.25 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा सीजीएल टीयर टू का। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टीयर थ्री के बारे में, ठीक है। टीयर थ्री में क्या होता है, देखिए ध्यान से, बेसिकली टीयर थ्री बहुत सिंपल होता है। देखिए इसमें कुछ खास ऐसा नहीं कि जो आपसे ना हो, आप सब तो बड़े बुजुर्ग हैं और आप सबकी तारीफ करना तो सूरज की रोशनी के सामने दिया दिखाने के बराबर है ना सर। बड़े बुजुर्ग हैं, सब ऑफिसर बैठे हैं, देखो वो बैठा अंकित ऑफिसर है, वो बैठी शिल्पा ऑफिसर है, सब ऑफिसर ही तो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। बचपन से ही ऑफिसर हैं आप लोग तो, है ना, जो चाहा वो मांगा आप लोगों ने, बचपन से जो चाहा वो मिला आप लोगों को, सब ऑफिसर हैं। आप लोग ऑफिसर हैं कि नहीं बताइए, अरे बोल तो दो भाई, हो कि नहीं ऑफिसर, है ना, सब ऑफिसर हैं कि नहीं है। तुम नहीं हो, तुम क्या हो, तुम भी ऑफिसर हो, हाँ सब ऑफिसर हैं आप सब। बेसिकली आप सब यहाँ आए हैं तो आप सबके सपने हैं, उम्मीद है आप सब ऑफिसर बनेंगे एक ना एक दिन, है ना सर। सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हल्के हल्के, है ना सर, क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया टीयर थ्री के बारे में, हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक। जो होता है भाई, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, लिखने वाला, पेन पेंसिल, ठीक है। साथ में होता क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह करनी होती है। टाइम रहता है आपके पास 1 आवर्स का, यानी टाइम जो है आपके पास क्या है, टाइमिंग यहाँ पर जो होती है आपके पास, टाइम रहता है 1 आवर का। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बताओ, 60, है ना, तो इसलिए क्या है 60 मिनट्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखने में आप सब माहिर हैं, आप सब फटाफट लिख ही देते हैं हर चीज़, है कि नहीं, तो आप सब कुछ लिख देंगे फटाफट, आपको जो मिलेगा सब लिख देंगे आप। पर ध्यान रखना है कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का लिखना रहता है आपको, ऐसे और लेटर आप लिखना रहता है ना, इंग्लिश या हिंदी में दोनों। तो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आप फेमिलियर हैं, आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कम्फर्टेबल हैं, ठीक। तो लेटर राइटिंग और इंग्लिश में ऐसे ध्यान रखना है आपको कि इस टाइप का होता है। ऐसे ही देखिए, ऐसे से एक वर्ड बता दूँ मैं आपको, याद करना है आपको एक वर्ड वो कैप के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे, ई से लिखा है, ऐसे एक वर्ड होता है ASSAY, ऐसे। इसका मीनिंग बताएगा कोई, मेरा भाई, मेरा दोस्त, बताएं कोई मीनिंग इसमें से आप लोग बताएं, हाँ बताएं, देखिए, अरे नहीं आप बताइए आप, दैट्स ग्रेट, इतना ज्ञान कहाँ से मिला आपको, आप तो ज्ञान के देवता हैं एकदम यार, यहाँ जितने बैठे हैं सब ज्ञान के देवी और देवता ही हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ने बहुत अच्छे टॉपर्स हैं सब, अपनी क्लास को देखिए ध्यान से। इस ऐसे का मतलब होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका करते हैं हम लोग एवेल्यूएशन, इस ऐसे का मतलब होता है लिखना, लेखन, उसका करते हैं हम लोग एवेल्यूएशन। तो इस ऐसे का मतलब होता है एग्जामिनेशन, तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम में एवेल्यूएशन जिसे कह सकते हैं आप, एवेल्यूएशन, एग्जामिनेशन या एवेल्यूएशन मीन्स ऐसे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ऐसे सारे वोकैब्स हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी सारा, अभी तो पहला क्लास है, अभी सिर्फ इंट्रो चल रहा है, बाद में वोकैब पे भी ध्यान देंगे हम लोग, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और हर चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना सर, सब कुछ पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे एकदम बढ़िया सा। तो क्लियर हुआ टीयर थ्री के बारे में आप लोगों को, कि टीयर थ्री में क्या है, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स ऐसे और रटल राइटिंग रहता है, इसको आपको लिखना होता है ना सर। इस ऐसे का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन या एवेल्यूएशन। एक चीज़ ध्यान में आई है आप में सब लोग यहाँ पर, देखिए बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो एक चीज़ बात हो जाए, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है या फिर लिखा है एक्मे ऑफ सक्सेस, देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा है एक्मे ऑफ सक्सेस, तो वर्ड जो लिखा है उसकी स्पेलिंग है ACME, एक्मे, एक्मे ऑफ सक्सेस। इस एक्मे का मीनिंग जानता कोई आप में से, बताएं, आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी तारीफ करना तो सूरज की रोशनी के सामने दिया दिखाने बराबर है भाई, बताएं जरा इसका मीनिंग क्या है, इसका वन नहीं पता, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब ऐसे बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसे चाह कर भी, ठीक है भाई। आपने पढ़ा भी होगा एक जगह पे लिखा था कि ऐसा यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है जहाँ पे कि गजनी को भी याद करा दिया जाता है ना, गजनी को भी, देखिए यहाँ लिखा है एक्मे, इसको याद रखना है आपको। देखो अब एक्मे तो आपको नहीं पता, अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए ज़रा इसे, आप पढ़िए ज़रा क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या होता है एक्मे, ये आप बताएं सब, देवी देवता बताएं सब, कौन मेरा भाई, कौन कौन मेरा भाई है जो ये लगाता है कोई शौकीन रखता है कोई शौक ऐसे, अबे भाई शौक बड़ी चीज़ है ना इसलिए, अच्छा नहीं देखिए मैडम जानती होंगी क्या होता है, मैडम बताएं क्या होता है ये, बताइए, हाँ बताइए, अच्छा अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट होता है ये, अच्छा क्या होता है इससे, ऐसा होता है जब इसको लगाते हैं तो मतलब आप सोचते हैं कि अब तो हम ही हमारे, मेरा ही जलवा, ना हर तरफ मेरा ही जलवा,
यानी सबसे ऊपर हम ही हम, अगर हमने ये लगाया प्रोडक्ट तो क्या है, सबसे ऊपर हम हैं। यानी हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि अपने ब्यूटी के टॉप पर हैं, पीक पर हैं, पिनेकल पे। यानी कि इस लैक्मे को ध्यान रखना है आपको कैसे, एक्मे से। वर्ड जहाँ पर लिखा है लैक्मे, पर लैक्मे से याद नहीं रखना आपको, याद रखना है किससे, एक्मे। अब एक्मे जो वर्ड होता है वो आप लगाते हैं लैक्मे, तो आप सोचते हैं कि आप कहाँ हैं, टॉप पर हैं। कहाँ पर हैं, टॉप पर हैं, पीक पर हैं, पिनेकल पर हैं, है ना, पिनेकल पर हैं, या फिर जेनिथ पर हैं, या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे है अपनी ब्यूटी का, हाईएस्ट पॉइंट। तो देखिए कितने वोकैब हो गए सिनोनिम्स के, एक्मे क्या हुआ, टॉप, पीक, पिनेकल, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, है ना सर। ठीक, इसके अलावा देखिए और तरीका क्या है इसे याद करने का, एक और वे है इसे हम याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो लिखा है वर्ड इसको मिटाते हैं, एक्मे को, देखिए इसके क्या है सिनोनिम और, तो ए से हम ध्यान रखेंगे, एक्मे लिखा है यहाँ पर हम लोगों ने, एक्मे। इस ए से एक वर्ड होता है, याद रखना आपको क्या, एपेक्स। सी से क्लाइमैक्स, मूवी का सबसे अच्छा पार्ट उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स। पद्मावत देखी होगी आप सबने, है ना, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है ना। मेरिडियन एंड एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी, और इन सबका मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, पिनेकल, टॉप। तो कितने वर्ड याद होगा, देखिए एक वर्ड का सिनोनिम कितने हो गए, एपेक्स, क्लाइमैक्स, मेरिडियन, एक्सट्रीमिटी, चार, टॉप, पीक, पिनेकल, जेनिथ, और ये कितने हो गए, 10, 9 हो गए आपके। अब इसकी बात करें अगर सिनोनिम तो हो गई है, अब बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, एक वर्ड होता है नादिर, यानी कि बॉटम। सो गाइस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वोकैब याद करेंगे, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग काफ़ी कुछ स्टडी करेंगे इंग्लिश में, है ना सर। तो टेंशन ना लीजिए इंग्लिश की, इंग्लिश की डोंट फियर, ज़ीशान इज़ हियर, आपकी इंग्लिश बढ़िया रहेगी, आप टेंशन ना लीजिए, इंग्लिश आपकी एकदम फर्स्ट क्लास, और आप सब स्कोर करेंगे। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 100 मार्क्स, नॉट फॉर 99 मार्क्स। यहाँ पर क्या है, एपेक्स, ये इसका मीनिंग जो है एक्मे वर्ड का, तो वर्ड क्या था हमारा, एक्मे वर्ड था। इसकी ये सारे क्या है, ये सिनोनिम है सारे, और एंटोनिम कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है वहाँ पे, ना सर। तो एक्मे ध्यान रखें, इस वर्ड को याद रखेंगे कल से, की क्या है इसको याद रखने की है आपकी लैक्मे, ठीक है, लैक्मे लगाती हैं लड़कियाँ, तो क्या सकती हैं, अब हम ही हम, मेरा ही जलवा, है ना, तो इसको लिख लें ध्यान से। तो ये क्या हुआ, सिनोनिम, एपेक्स, क्लाइमैक्स, मेरिडियन, एक्सट्रीमिटी, टॉप, पीक, पिनेकल, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, एंड एंटोनिम इज वॉट, नादिर एंड बॉटम। इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक। तो बात से भटक गए हम लोग थोड़ा सा, है ना, हम लोग बात कर रहे थे अभी यहाँ पर सीजीएल के टीयर की, टीयर 3 तक पहुँच गए थे हम लोग, अब हम लोग को बात करना थी यहाँ पर टीयर 4 के बारे में। देखिए जनरली जब हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर टीयर को स्किप कर देते हैं, वरना हम लोग बात करनी है टीयर 4 के बारे में, और हम सारे टीयर पास कर लेंगे, टीयर 4 में भी पहुँच जाएंगे, हम सब ऑफिसर बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बताइए, बनेंगे सब लोग ऑफिसर, ठीक है, आप सब ऑफिसर बनेंगे। देखिए ध्यान से, तो जो टीयर 4 में एग्ज़ाम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, देखिए ध्यान से, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस टाइप से होता है। कई बार होता है कि फर्स्ट निकला, सेकंड निकला, और सब बच्चे ऐसे ही होते हैं सिलेक्शन से पहले कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें उनका होगा कि नहीं होगा, सबको ये लगता है कि हमारा कैसे होगा यार, पर वो तो बहुत पढ़ता है उसका हो जाएगा, पर फिर हल्के हल्के सडनली सबका होता है ना सर। तो देखिए ध्यान से बताते हैं मैं आपको, यहाँ पर दो टाइप के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से, बेसिकली एक होता है यहाँ पर डेस्क टेस्ट, डेस्क टेस्ट, है ना सर, तो इसको ध्यान रखना आपको, डेस्क टेस्ट, डेस्क टेस्ट। एक होता है सीपीटी टेस्ट, सीपीटी टेस्ट। अब इनको समझना है आपको दोनों को, है ना सर। इसमें क्या होता है कि आपको टाइपिंग, टाइपिंग का टेस्ट होता है आपका, है ना सर। आपको लिखने होते हैं 2000 वर्ड्स इन कितने मिनट्स में, 15 मिनट्स आपको लिखने होते हैं यहाँ पे, 2000 वर्ड्स 15 मिनट्स में। ये आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर स्किल्स की कैपेबिलिटी को जानने के लिए होता है ना सर, इसलिए इसको कहते हैं डेस्क टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो ये होता है सीपीटी टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बेसिकली आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आने चाहिए जो वो होती हैं, ये सब में नहीं होता है ये टीयर 4, ये कुछ बेसिक्स में होता है। अगर आप किसी स्पेशल डिजाइन में जाना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, तब आपके लिए ये होगा सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोफिशिएंसी लिख लीजिए ध्यान से, क्या होता है प्रो, आपको जो है प्रोफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी जो चेक होती है आपकी, प्रोफिशिएंसी चेक होती है कई चीज़ों में, जैसे कि आप जो है, आपको वर्ड आता है नहीं आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने ना, एक्सेल आता नहीं आता है आपको, स्प्रेड शीट आती है नहीं आती है, यानी कंप्यूटर ओरिएंटेड चीज़ है ना, वो सब इसमें आती है आपके इस लास्ट टेस्ट में, ठीक है।
तो इसको आपको करना आना चाहिए। तो ये क्या है, टाइपिंग का टेस्ट है, ये कंप्यूटर से प्रोफेशनसी का टेस्ट है। एससी के अंदर कितने एग्जाम होंगे, तीन बेसिकली, MTS, CHSL एंड CGL। अब आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। देखिए CGL की अगर बात करें, अब बात करते हैं मुद्रा की, सैलरी पर्क्स क्या क्या रहते हैं। देखिए अगर हम बात करें MTS की, सबसे लो रहता है MTS में, देन उसके बाद आपका बढ़ते हुए में क्या है, CHSL एंड देन आपका CGL। सबसे ज़्यादा CGL में सैलरी पर्क्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करें। सिलेबस सेम है सबका, थोड़ा बहुत अंतर है हल्का फुल्का, बस क्वेश्चंस के लेवल का अंतर, ये थोड़ा लो, थोड़ा सा इजी आता है, थोड़ा सा टफ, एंड देन ये थोड़ा सा और टफ। पर टफ कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सब तो खुद बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर हैं ना सर, इसलिए आप तो सब ऐसे भी ऑफिसर हैं, आपको बस खाली क्या है, मोहर लगानी ऑफिसर वाली। वैसे तो जनरली आप सब ऑफिसर हैं ही हैं, बस आपको ये करना है कि किसमें क्या करना है। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट द SSC एंड ये मेन एग्ज़ाम्स, इसके बाद में स्टेनोग्राफर भी होता है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी आते हैं, इसमें इंग्लिश थोड़ी सी डोमिनेंट रहती है, डोमिनेंस करती है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सब पे फोकस करना है। इसके बाद हम अगर आप चाहें तो बैंक का थोड़ा बताएं, आपको बैंकिंग के बारे में बताना है कि IBPS ARRB के बारे में। पर अभी हम लोग क्या, क्योंकि क्लास हमारी किसके ओरिएंटेड है, SSC के, तो हम लोग SSC के बारे में जाने हैं कि SSC क्या क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें कितने कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसा क्या शेड्यूल होता है, क्या टेन्योर है। और फिर आपने आप सोचो, अभी सोचो, अभी इस उम्र में आपके पास पैसे हो तो मौज है आपकी, अभी आप सब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, यू ऑल आर वेरी गुड एंड यू ऑल आर वेरी यंग, है ना, यंग वंस हैं आप लोग। अभी अगर आपकी जॉब लगे तो आपको बेनिफिट है, मतलब आपकी एज अभी सबकी 20, 22, 24, 25 है। अभी अगर आपकी जॉब लगेगी तो खुद सोचो आपको कितना बेनिफिट होगा, कि इस एज में जॉब लगने का बेनिफिट ये है कि आप जब जॉब पा जाएंगे, अभी सोचो इस उम्र में आपके पास इस जेब में 50,000, इस जेब में 10,000, इस जेब में 10,000, यहाँ पे 10,000, ये सब अगर अमाउंट हो और मोबाइल हो, एप्पल का फ़ोन हो, किसका फ़ोन हो, एप्पल का नहीं होता है फोन, एप्पल है ना सर, एप्पल का फ़ोन हो, बढ़िया सी कार हो, फ़ोन पे बात करने वाला कोई हो, तो ज़िंदगी मस्त है भाई, वरना क्या है, सब बेकार इस उम्र में करना हो। और अगर आप अभी जॉब करते हैं तो एक और बेनिफिट भी है कि आपको प्रमोशन जल्दी होंगे, आपकी एज कम है, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए आपकी जॉब अभी लगना ज़्यादा बेटर है, इंस्पाइट ऑफ 30 साल में लगे आपकी जॉब, जब आपकी एज निकल जाए, है ना सर। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये सिर्फ छोटा सा क्लास था, एक डेमो था आपका कि SSC में कैसे क्या करना है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग की इंग्लिश कितनी मैंडेटरी है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा कि इंग्लिश में क्या था, 200 नंबर थे वहाँ पे, ना सर, 200 मार्क्स का पेपर था टीयर 2 में, 200 मार्क्स है ना सर इंग्लिश। और आपको ध्यान ये रखना है कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है भाई, इंग्लिश देखिए आप मैथ कर सकते हैं 6 महीने में पढ़ करके, रीजनिंग कर सकते हैं, बट इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेंगे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इंग्लिश में आप देखिए हर जगह आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, वेदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर डेली लाइफ हो, तो आपको इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही है। इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना है, जितना हो सके उतना अच्छा समझना है, रियल लाइफ के लिए भी और हर चीज़ के लिए पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वो करेंगे क्या कि सिलेबस की क्या क्या होता है इंग्लिश में, कैसे क्या करना है SSC के लिए, और उसके अलावा इंग्लिश में किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ इसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, चलिए ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और इतना पकाया आपको उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।